ये गाड़ी में आती है डार्क क्रोम ग्रिल, जो कि ये गाड़ी को एक खूबसूरत लुक देती है। और यहाँ पे नीचे देखिए तो आपको सिल्वर एक प्लेट भी मिलती है। की बात करें तो ये फ्रंट साइड के टर्न इंडिकेटर, ये आपको मिल जाएंगी DRL लाइट्स जो कि हेडलैम्प के सराउंड्स में दी गई है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं और कॉर्नरिंग लाइट्स भी दी गई हुई है, जिसे कि आप जिस तरह गाड़ी मोड़ोगे उसी तरह ये लाइट फोकस करेगी। और ये देखिए तो नीचे की साइड मिल जाएंगे आपको प्रोजेक्टर फोग लैंप्स। चलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आती है ये टायर जो दिया गया है, वो आपको दिया गया है 16 इंच का टायर दिया है, 250/60 R60 का टायर दिया गया है आपको। उसमें नए मॉडल में ये है स्टाइड व्हील्स। ये स्टाइड व्हील्स क्या होते हैं ये आपको मैं बता देता हूँ। ये जो है वो तो पूरा फाइबर की कैप है उसके ऊपर की, और ये जो अंदर की जो मैकव्हील है वो मैकव्हील की तरह डिजाइन किया गया होता है। ये देखिए आपको पीछे का सब दिखेगा। आप देखिए ये एलॉय व्हील्स का लुक देंगे, पर ये एक्चुअल में ये एलॉय व्हील्स नहीं है, ये फाइबर कैप है। टायर साइज की बात करें तो ये देखिए ये सब सेम है, 250/60 R60 का टायर है इसमें। ये जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 की ग्राउंड क्लियरेंस देती है गाड़ी। चलिए बढ़ते हैं इसके ORVMs की तरफ। तो ये जो बॉडी कलर का ही उसको ORVM दिया गया है, और ये साइड टर्न इंडिकेटर है जो साइड वो भी इसी ORVMs में इंसर्ट किए गए हैं। और ये देखिए हैंडल, आप देखोगे तो बॉडी कलर का ही हैंडल मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं गाड़ी के रियर यानी बैक प्रोफाइल पे। ये देखिए यहाँ पे वेन्यूज को रिप्लेस किया हुआ है। ये वेन्यूज का क्रोम फिनिश में बेजिंग आ जाता है, वेन्यू लिखा हुआ। और ये है मॉडल नेम है SX वेरिएंट का। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिवर्स लाइट है, और ये देखोगे तो बम्पर्स पे ये पार्किंग सेंसर भी दिया गया है। और ये जो पूरा है वो सिल्वर कलर की प्लेट दी गई हुई है, और रिवर्स लाइट के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी मिल जाते हैं। टेल लैंप्स देखो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत है इस गाड़ी के। और ये टेल लैंप्स आते हैं, आपको LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं, पर आपको इस मॉडल में नहीं आता। यहाँ पे डिफोगर मिल जाएगा, और यह हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और ये है शार्प एंटीना मिल जाता है आपको। और ये हम देखेंगे तो ये इसका बूट स्पेस है, काफ़ी इजी तरह से ये ओपन हो जाता है। और ये देखिए आपको ये मिल रहा है 350 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है विथ LED लाइट्स के साथ। और ये यहाँ पे हम नीचे देखेंगे तो ये उसकी किट है। और यहाँ पे ये देखो ये एलॉय व्हील्स है, जो ये टायर है ये एलॉय व्हील्स के साथ नहीं आता, और ये एक ही छोटा आता है। अगर आप देख सको दिखाता हूँ, ये देखो 195/65 R15 का ये टायर आता है, ये एक ही छोटा आता है टायर। हेलो फ्रेंड्स, ये है वेन्यूज का ड्राइवर साइड का डोर। ये फोर विंडो सिस्टम है इसमें। जो ड्राइवर साइड के डोर की जो विंडो है वो वन टच डाउन है, वन टच अप है। और ये साइड मिरर एडजस्टेबल स्विच है, ये ऑटो फोल्डेबल है। और यहाँ पे ट्विटर आता है, और यहाँ पे ये स्पीकर दिया हुआ है। ये इनसाइड क्रोम फिनिश वाला ये स्टाइलिश हैंडल दिया गया है। हेलो गाइस, ये देखो ये अंदर से ऐसा लुक है। ये लेदर फिनिश में आता है हैंडल। और यहाँ पे सारा का सारा गाड़ी का जो सेटिंग है वो यहाँ पे दिया गया है। ये मोड का सेटिंग है, आप कॉल उठा सकते हो, यहाँ से ही काट सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, मतलब बढ़ाना है कम करना है। ये क्रूज़ कंट्रोल है, क्रूज़ कंट्रोल का सेटिंग यहाँ पे दिया गया है। ये क्रूज़ कंट्रोल कैंसिल करने की सेटिंग है। और हैंडल पे ये सिल्वर क्रोम फिनिश वाला ये हुंडई का लोगो दिया गया है। और यहाँ पे देखो तो ये वाइपर का पूरा सेटिंग दिया गया है। और इस साइड पे आप देखोगे तो ये पूरा आपको जो लाइटिंग है, हेडलाइट है, उसका सेटिंग दिया गया है।
कुछ इस तरह का ये साइड पे टेकोमीटर है और ये साइड पे ये स्पीडोमीटर दिया गया है और ये डिजिटल मीटर भी है। हम ये सब यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन है कि अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया और इंजन में कोई प्रॉब्लम है तो ये सब ये टेकोमीटर के नीचे दिखाएगा। और हम यहाँ से ये देख लो, यहाँ से पूरा ये सेटिंग कर सकते हैं, मतलब कि ये जो वॉल्यूम बढ़ाने का है वॉल्यूम कम कर सकते हो, ये मोड चेंज कर सकते हो, यहाँ से पूरा सेटिंग कर सकते हो आप। और ये है इसका साउंड सिस्टम, ये इसका साउंड, ये इसका डिस्प्ले, ये डिस्प्ले दिया गया है और इसमें ये एसी का इवेंट है जो सिल्वर मैट फिनिश में दिया गया है, पूरा सिल्वर मैट फिनिश में दिया गया है, ये आप देख सकते हो, ये देखो। और यहाँ पे ये है उसका सिस्टम है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हो, मतलब कि ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप कॉल कर सकते हो, यहाँ से वॉइस मेमो कर सकते हो। ये रेडियो का है, आप यहाँ से रेडियो कर सकते हो, ये मीडिया है। फिर ये जो है ये DRVM है जो आपको ये गाड़ी चालू करने के बाद दिखाएगा। और ये क्वाइट मोड है, ये सेटिंग है, पूरा ये सिस्टम, यहाँ से ही वाईफाई आता है, ये डिवाइस कनेक्ट ब्लूटूथ कर सकते हो, ये डिस्प्ले का है, ये फिर बटन का है, ये साउंड का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब आपको जिस तरह का साउंड चाहिए वो सब भी यहाँ पे दिया गया है। ये मैनुअल एडजस्टेबल ये QR कोड भी दिया गया है। ये देखोगे तो डिस्प्ले के नीचे यहाँ से भी सेटअप कर सकते हो, स्टिक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, मीडिया भी खोल सकते हो, यहाँ से ही रेडियो कर सकते हो। फिर ये जो है ये ऑटो AC कंट्रोल का सेटिंग है, यहाँ से वो ऑटो AC कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हो, ऑन कर सकते हो, यहाँ से ऑन ऑफ होता है। और ये जो सारा है वो AC का ही कंट्रोल है। और यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग दिया गया है, फास्ट चार्जिंग दिया गया है 12 वोल्ट का। और ये 6 पेड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आती है गाड़ी। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है ये हैंड ब्रेक के ऊपर भी सिल्वर मेट फिनिशिंग दिया गया है। और यहाँ पे कप होल्डर है और ये आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में भी काफ़ी स्पेस है और आर्मरेस्ट काफ़ी आरामदायक है। क्रोम फिनिश दिया गया है, ये पूरा यहाँ पे क्रोम फिनिश दिया गया है। और ये गाड़ी में आप देखोगे तो ये फैब्रिक सीट अवेलेबल है, प्रोवाइड की हुई है कंपनी ने। और यहाँ पे देखोगे तो वन टच सनरूफ ओपन है और वन टच, ये देखो, और वन टच क्लोजिंग है। यहाँ पे दो लाइटें भी दी गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोना हुंडई। मारो नाम है प्रतीक मकवाना, हूँ अहीं ट्रेनिंग जो डिपार्टमेंट जो छू। तो आज आप तमने बात करवा जा रही छे हुंडई विषय। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने घणा लोगो बोलता सांभळा छे हुंडई, પણ તમને જણાવી દઉં કે એને હુંડાઈ નથી કહેવાતું, એનું એક્ચ્યુઅલ પ્રોનાઉન્સેશન થાય છે હુંડે, રાઈટ? તો હુંડે વિશે થોડી વાત કરીએ તો હુંડે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જ્યારે એસ્ટાબ્લિશ થઈ હતી તે 1967 માં એસ્ટાબ્લિશ થઈ હતી। 1967 માં હુંડે એઝ અ કન્સ્ટ્રક્શન કંપની પહેલા હતી, પછી એને ટ્રાન્સફોર્મ કર્યું એઝ અ ઓટોમોબાઈલમાં, ત્યાર પછી સાઉથ કોરિયામાં એસ્ટાબ્લિશ થઈ, ત્યાર પછી એને આઈ થિંક અત્યારે 53 યર્સની અંદર ઘણા સારા અવોર્ડ્સ છે, ઘણા સારા અચિવમેન્ટ મેળવી લીધા છે। આજે વાત કરીએ તો હુંડાઈ વર્લ્ડની 5મા નંબર પર પોઝિશન પર ઉભી છે। ઇન્ડિયાની વાત કરીએ તો હુંડે 1996માં ઇન્ડિયાની અંદર આવી હતી। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ એને ગાડી 1998માં સેન્ટ્રો લોન્ચ કરી હતી। તમને વધારે ખ્યાલ છે કે સેન્ટ્રો કેટલી સક્સેસફુલ ગાડી હતી। આજની તારીખમાં 23 વર્ષમાં હુંડાઈને ઇન્ડિયાની અંદર સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ કંપની બની ગઈ છે। અને વાત કરીએ ગાડીને એક્સપોર્ટિંગની તો હુંડે ઇન્ડિયામાં મેન્યુફેક્ચરિંગ જે ચેન્નઈમાં પ્લાન્ટ છે ત્યાંથી ગાડીઓ એક્સપોર્ટ કરે છે બીજા અધર કન્ટ્રીઝમાં, અને સૌથી નંબર 1 એક્સપોર્ટિંગ ઓટોમોબિલની અંદર કરે છે, નંબર 1 પોઝિશન પર છે એક્સપોર્ટ કરવામાં। થેન્ક યુ વેરી મચ।